नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने का प्रयास करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में। इस रिपोर्ट से संबंधित कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे या फिर किसकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को लाया गया, तो इसका आंसर आता है मोतीलाल नेहरू। जबकि कई बार कन्फ्यूज़न में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे, वे इस रिपोर्ट के दौरान सचिव थे। दोस्तों, NWFC जैसे शब्दों का प्रयोग हम इस वीडियो के दौरान करेंगे, जिसका पूर्ण रूप होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता नाराज थे। हालांकि अंग्रेजों ने असंतोष को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने आयोग की संरचना में बदलाव नहीं किया और इसके बजाय भारतीयों से यह साबित करने के लिए कहा कि वे स्वयं एक संविधान बना सकते हैं। ऐसी ही एक चुनौती 1925 में भारत के तत्कालीन सचिव बिरकेनहेड ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें यानी भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाने दे जिसके पीछे भारत के महान लोगों के बीच सामान्य सहमति हो। यह एक प्रकार से भारतीयों के बीच व्यंग्य था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भारत जैसा विशाल देश कभी भी आम सहमति के साथ एक संविधान नहीं बना सकता। राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 का मसौदा तैयार करके इस चुनौती का जवाब करारे रूप में दिया। दिसंबर 1927 में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन की स्थापना के जवाब में दो बड़े फैसले लिए। पहला, उसने आयोग के साथ सहयोग न करने का फैसला किया और दूसरा, इसने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। सर्वदलीय सम्मेलन में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सिख सेंट्रल लीग और अन्य संगठन शामिल थे। सम्मेलन ने 19 मई 1928 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के कुछ उल्लेखनीय सदस्य इस प्रकार थे, जैसे मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सफरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रतिभाशाली लोग इसके सदस्य रहे। बाद में M.R. जयकर और एनी बेसेंट इस समिति में शामिल हुए, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी रहे थे। मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू को सचिव समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। आइए जानते हैं अब नेहरू रिपोर्ट की क्या सिफारिश थी। मुख्य रूप से मेरा काम है इसे केवल एक इस तरह से पढ़कर सुनाना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रिक का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही समझाने के लिए कोई अलग तरीका अपना सकते हैं। केवल आपको समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। पहली सिफारिश आती है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि के लिए डोमिनियन स्थिति है, वैसे ही भारत के लिए हो। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जैसे जो पुराने नेता थे या फिर उम्रदराज नेता थे, इन्होंने कहा कि भारत को भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इसके बिल्कुल खिलाफ थे और स्वतंत्रता की मांग में अड़े हुए थे। यही कारण है कि जब लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार सहित 19 मौलिक अधिकार, जब तक कि आयोग के न ठहराए जाए, लागू रहें। तीसरी सिफारिश थी कि नागरिक के रूप में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो। चौथी सिफारिश थी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो और इसका कोई राजधर्म न हो, किसी भी समुदाय के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र न हो। इसने अल्पसंख्यक सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। इसमें मुसलमानों के लिए केंद्र और उन प्रांतों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया जहां पे अल्पसंख्यक थे, ना कि बंगाल और पंजाब में। इसी प्रकार इसने
NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गैर मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। केंद्र के पास अवशिष्ट वाली सरकार का एक संघीय रूप, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। सातवीं सिफारिश थी, गवर्नर जनरल भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाएगी। आठवीं सिफारिश थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव। और नौवीं सिफारिश थी, प्रांतों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाए। दसवीं सिफारिश थी कि देश की भाषा भारतीय होनी चाहिए, जो कि देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी या गुजराती में लिखी जाएगी। अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जाए, लेकिन देश की जो राष्ट्रीय भाषा हो वो कोई क्षेत्रीय भाषा या फिर भारतीय भाषा को ही बनाया जाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण रूप से देखना यह होगा कि जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई और कांग्रेस ने इसे लाया, तो इसका जवाब अन्य संगठनों ने या फिर सरकार ने किस तरह से दिया, आइए देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा विवादास्पद था। दिसंबर 1927 में कई मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में मोतीलाल नेहरू से मुलाकात की और कुछ नए प्रस्ताव या फिर कुछ नई सिफारिशें इन्हें पकड़ा दी। इन्हें कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। दिल्ली में बताई गई मुस्लिम नेताओं की सिफारिशें या प्रस्ताव दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं। इनमें पहला था, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिले। वयस्क मताधिकार स्थापित होने तक पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी ना कि केंद्र में। चूँकि जिन्ना की ये मांगें पूरी नहीं हुई, उन्होंने मार्च 1929 में 14 सूत्री दिया, जो लीग के सभी भविष्यों के एजेंट का आधार बना। जिन्ना के 14 सूत्र, पहला, प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियों वाला संघीय संविधान हो। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता। तीसरा, राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं। चौथा, किसी प्रांत में मुस्लिम बहुमत को अल्पसंख्यक या समानता में कम किए बिना सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पाँचवा, सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व हो। छठवा, विधानमंडल में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए छोटे किए गए हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से एग्ज़ाम के दिन और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि छठवें पॉइंट को देखिए, जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिल सके, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। इस प्रकार से आप कई तरह से इन पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। केवल आपको वही पढ़ना है यहाँ पर जो फैक्ट हैं, जो आपको याद करने हैं। सातवीं मांग थी कि केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद में एक तिहाई मुस्लिम सदस्य हो। आठवां, पृथक निर्वाचन मंडल हो। नौवां, यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय का तीन चौथाई हिस्सा इसे अपने हितों के विरुद्ध मानता है, तो किसी भी विधायिका में कोई विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। दसवां, क्षेत्रों के किसी भी पुनर्गठन से बंगाल और पंजाब और NWFP में मुस्लिम बहुमत प्रभावित नहीं होगा। ग्यारहवां, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाएगा। बारहवां, NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार होंगे। NWFP से मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तेरहवा पॉइंट था कि सभी समुदायों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होगी। चौदहवा था, मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। इस प्रकार से जिन्ना के 14 सूत्री मांगे, सिफारिशें या फिर उनके सिद्धांत हम कह सकते हैं। अतः नेहरू रिपोर्ट की प्रभावशाली सिफारिशों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। इस प्रकार थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट, और इसी में शामिल थे जिन्ना के 14 सूत्री मांगे। न केवल ये MA के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी इनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज साधनों के अभाव के कारण इस तरह से वीडियो बनाना पड़ा, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर करने का जुनून है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर देखिए और जुट जाइए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।